7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था और इसके बाद इसराइल ने हमास के ऊपर जंग का ऐलान करते हुए गाजा पर आक्रमण कर दिया था और तब से ये युद्ध जारी है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की आग में धधक रहा है, चाहे यमन का हूती हो या फिर लेबनान का हिजबुल्ला या फिर इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह। इन चारों की चौकड़ी ने इसराइल को अस्तित्व के खतरे में डाल दिया है। इराक और सीरिया से भी अब इसराइल पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। और इस युद्ध का खामियाजा इराक और सीरिया में डेरा जमाए बैठी अमेरिकी सेना को भी हो रहा है। और इसी साल की शुरुआत में इराक के अमेरिकी अल असद एयरबेस पर मिसाइल अटैक में कई अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब एक बार फिर से इराक और सीरिया में उन एयरबेस पर रॉकेट हमले हुए हैं जहाँ पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं। ये हमले गुरुवार और शुक्रवार को हुए हैं। इन हमलों को लेकर एक वॉर मॉनिटर और सिक्योरिटी अधिकारी का कहना है कि ये हमले अमेरिका विरोधी ईरान समर्थित गुटों ने किए हैं। सूत्र के मुताबिक इराक के अनबर प्रांत में बने एनएल असद बेस के करीब 4 रॉकेट गिरे हैं। वहीं दूसरे एक अधिकारी का कहना है कि एक ड्रोन और 3 रॉकेट बेस के बिल्कुल पास में आकर गिरे। और इन हमलों को लेकर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्टाइल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बेस के बाहर गिरे हैं। वहीं सीरिया के पूर्वी प्रांत डेर एजर में कोनोको गैस फील्ड के पास कम से कम 1 रॉकेट गिरा है। इसको लेकर ब्रिटेन के ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटर के सीरियाई पर्यवेक्षक का कहना है कि इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई लेकिन तत्काल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। वॉर मॉनिटर का कहना है कि ये रॉकेट उन इलाकों से फायर किए गए हैं जहां पर ईरान समर्थित प्रतिरोधी समूहों का कब्जा है। आपको बता दें कि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इराकी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जिहाद विरोधी गठबंधन के भविष्य में अस्तित्व पर चर्चा हो रही है। वहीं ईरान समर्थित इस प्रतिरोधी समूह ने इराक से अमेरिकी सेना के बाहर जाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ इस बातचीत को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध और नए चरण के मोसाद को समझने पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वहीं ईरान समर्थित इराक और सीरियाई गुटों ने अमेरिका को इराक और सीरिया छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को भी एन असद बेस पर 2 ड्रोन दागे गए थे। इनमें से 1 ड्रोन बेस के भीतर आकर फटा था। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई थी, पर बड़ी बात यह है कि पिछले 3 महीने में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों ने 175 से ज्यादा बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इनमें ज्यादातर हमले इराक और सीरिया में हुए। इनमें से अधिकतर हमलों की जिम्मेदारी ईरान से जुड़े हुए इस्लामिक रेजिस्टेंट ने ली है, जो ईरान से जुड़ा हुआ एक संगठन है। आपको ये भी बता दें कि जनवरी 2024 में जॉर्डन में हुए एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सीरिया और इराक में करीब 2,500 सैनिक हैं जो जिहादी समूह से लड़ रहे हैं। साल 2014 में इराकी सरकार की गुहार पर अमेरिका ने जिहादी समूह दाएश से लड़ने के लिए ये गठबंधन बनाया था और दाएशी वो संगठन है जिसका सीरिया और इराक के कई बड़े इलाकों पर मजबूत कंट्रोल है और ये संगठन दोनों देशों में लगातार अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले कर रहा है।